The body's rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life. दोस्तों, रूरल न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इनविजिबल आयरन मैन कॉमिक्स को रीड आउट करूंगा। दोस्तों, ये कॉमिक्स लॉन्च हुई थी 2015 में और इसके 14 इश्यूज आए थे, तो इसे हम 7 एपिसोड्स में कवर कर देंगे क्योंकि ये स्टोरी है ही इतनी इंटरेस्टिंग कि आप इसका वेट नहीं कर पाएंगे। ये स्टोरी स्टार्ट होती है चाइना के बीजिंग से, जहाँ पे मार्वल के एक सुपर विलन किंग पिन की एंट्री होती है और वो किसी से मिलने जा रहा है। हमें उसके हाथ में एक बैग भी दिखाया जाता है। फिर किंग पिन वो बैग लेके एक मिस्टीरियस लेडी के सामने रख देता है, जिसपे वो लेडी कहती है दिखाओ मुझे। तो किंग पिन बैग को ओपन करता है, तभी वो लेडी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे जानना है। किंग पिन बोलता है मैंने अपनी आधी जिंदगी एम में वेस्ट कर दी और मैं इतना तो डिजर्व करता ही हूँ। तो वो लेडी पूछती है क्या तुम सच बोल रहे हो, लेकिन तभी किंग पिन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर ये झूठ लगे तो आप मुझे ढूंढ कर मार देना। और किंग पिन कहता है मेरे पैसे मुझे दो, जिसपे वो लेडी उसे गोली मार देती है और जाते जाते कहती है कि मुझे ऐसा पहले ही कर देना चाहिए था। अब सीन बदलता है और हमें आयरन मैन दिखाया जाता है, वो किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है और टोनी स्टार बोलता है कि अब बस होने ही वाला है। तभी हमें टोनी स्टार का न्यू आर्मर दिखाया जाता है। ये आर्मर उसके सभी आर्मर को मिला के बनाया गया था। ये आर्मर उसने ऐसा डिजाइन किया है कि अपने आने वाले हर मिशन के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। लेकिन इस आर्मर की एक खूबी ये भी है कि ये टोनी की बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसके ब्रेन से जुड़ा है। उसको देखकर टोनी बोलता है कि मुझे इसे बाहर लेकर जाना चाहिए। तभी पीछे से फ्राइडे की आवाज आती है कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो टोनी कहता है कि तुम कब से यहाँ बैठी हो और तुमको मैंने कमांड किया है, फिर तुम मुझे कैसे कमांड दे रही हो। तो फ्राइडे कहती है कि टोनी आप शायद भूल गए हैं, लेकिन आपको अभी बस एक घंटे में अपनी डेट पे डॉक्टर मारा के साथ जाना है। टोनी कहता है कि अरे हाँ, और वो जल्दी से रेडी होने के लिए भागता है। फिर टोनी स्टार्क रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां उसकी डेट है। वो मैनेजर से पूछता है कि डॉक्टर मारा कहाँ है, तो पीछे से आवाज आती है मिस्टर स्टार्क मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी आ जाओगे। और टोनी पलटता है तो सामने से डॉक्टर अमारा आ रही होती है। फिर स्टार्क और अमारा आपस में बात करने लगते हैं। डॉक्टर अमारा पूछती है टोनी यहाँ पर और कोई क्यों नहीं है, तो टोनी कहता है कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैंने पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर रखा है, जिसपे डॉक्टर अमारा थोड़ा सा स्माइल करती है। लेकिन वहां से दूर जापान के स्टार टावर पे वो मिस्टीरियस लेडी अटैक करते हुए अंदर घुस रही है, और जहां पर डॉक्टर अमारा और टोनी स्टार्क बातें कर रहे हैं वहां टोनी डॉक्टर अमारा से कुछ पेपर के बारे में बात कर रहा है। तो डॉक्टर अमारा बताती है कि हाँ मेरे पास म्यूटेंट के लिए क्योर तो है, लेकिन वो उसे दे नहीं सकती क्योंकि एक्स मैन द लास्ट स्टैंड में जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही हॉरिबल था। बात करते करते टोनी डॉक्टर अमारा को किस करने के लिए जाता है और वो पूछता है कि अब हम कब मिलेंगे, जिस पर डॉक्टर अमारा कहती है कि जल्दी ही। तभी वहां पे टोनी की एआई की कॉल आती है, वो बताती है मिस्टर स्टार बिटनी फ्रॉस्ट अब वापस आ गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वही मिस्टीरियस लेडी के बारे में बता रही है जिसे हमने पिछले सीन में देखा था। और टोनी पूछता है कि वो कहाँ है, तो एआई बताती है कि वो लपेरिया में है और उसने वहां से कुछ चुराया है। तो टोनी अपना आयरन मैन सूट पहनने लगता है जो कि उसकी वॉच से होते हुए आ रहा था। फ्राइडे बताती है कि बिटनी फ्रॉस्ट शील्ड की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे टॉप पे है, तो आप संभल के रहना। फिर वहां से टोनी स्टार्क उड़ जाता है और अपने एआई से पूछता है क्या तुमने सैटेलाइट से ट्रेस किया, तो एआई बताती है कि नहीं, टोनी अब लटवेरिया पहुंच चुका है। और जैसे ही वो वहां पे लैंड होता है तो कुछ लोग उस पर गन पॉइंट करके अपना आर्मर निकालकर उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। तो टोनी कहता है कि मैं ये पहले भी सुन चुका हूँ और तुम लोग को शर्म नहीं आती किसी आदमी को उसके कपड़े उतारने के लिए कहते हो। लेकिन टोनी कुछ कर पाता तभी वो सब किसी सोनिक बीम से गिर जाते हैं। तो टोनी बोलता है कि ये सब किसने किया। फ्राइडे बताती है कि अटैक आपके पीछे से हुआ है, और टोनी पलटता है तो पीछे से आवाज आती है हेलो मिस्टर स्टार, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहीं पर हो, वेलकम टू कैसल डूम। तो टोनी फ्राइडे से पूछता है अब ये कौन नमूना है, तो फ्राइडे उसको स्कैन करके बोलती है मेरे बायोस्कैन से ये मिस्टर विक्टर वॉन डूम है। तो टोनी पूछता है कि तुम ही विक्टर वॉन डूम हो, तो डूम कहता है कि हाँ, तुम्हारी एआई ने मुझे सही आइडेंटिफाई किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर डूम मार्वल के सुपर विलेन में से एक है और ये हमें फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखा था। अब टोनी डॉक्टर डूम से पूछता है कि तुमने अपना सूट क्यों नहीं पहना है, तो डूम बोलता है कि अब मैं कम्प्लीटली बदल चुका हूँ। तो टोनी उस पर अटैक कर देता है जिसे डूम बड़ी ही आसानी से रोक लेता है और टोनी से पूछता है कि अगर तुम्हारा हो गया है तो हम बात कर सकते हैं। फिर आयरन मैन डॉक्टर डूम से पूछता है कि सच में तुम ही डॉक्टर डूम हो, क्योंकि तुम्हारा फेस तो बहुत ही डरावना था। तो डूम कहता है कि वो था, अब नहीं है। तभी आयरन मैन का आर्मर बड़ा हो जाता है और वो डूम पे फिर से अटैक करता है। तो डूम कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे देखते ही फट पड़ोगे, तभी मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। तो टोनी पूछता है कि तुम्हें क्या काम है, तो डूम कहता है बिटनी फ्रॉस्ट मैं उस पागल क्रिमिनल के लिए यहाँ हूँ और मैं मानता हूँ कि तुम्हारी उसके साथ कोई हिस्ट्री भी रही है। तभी अगले सीन में हमें आयरन मैन और बिटनी फ्रॉस्ट के कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं। आयरन मैन कहता है कि मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसे जानता हूँ। इस पर डूम कहता है कि वेल कोई बात नहीं, वैसे वो यहाँ पर एक खतरनाक चीज को खोजने आए थे और वो दुनिया के सबसे पावरफुल हथियार को कलेक्ट कर रही है, ऐसी चीजें जो तुम कभी उसके हाथ में नहीं देखना चाहोगे।
फिर वो लोग बात करते हुए किसी रूम की तरफ जाते हैं और डॉक्टर डूम एक बॉक्स खोलकर उसमें से कुछ निकालता है और उसे टोनी को दिखाते हुए कहता है कि ये देखो वैंड ऑफ वाटूम, इससे किसी के भी दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है और इसको ज्यादा फोकस करो तो ये हमें जादुई ऊर्जा भी देता है। टोनी पूछता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की छड़ी है, तो डूम कहता है कि नहीं ये मेरी छड़ी है और ऐसी 5 छड़ी है और अलग अलग डायमेंशन में है। डॉक्टर डूम टोनी को वो छड़ी देते हुए कहता है कि तुम इसे रख सकते हो, तो टोनी पूछता है क्यों, तो डूम कहता है ये तुम्हारे हाथ में ज्यादा सेफ है लेकिन इसे मैं और बिटनी फ्रॉस्ट गलत यूज करेंगे। जिस पर टोनी कहता है कि मुझे सब बात साफ साफ बताओ, तो डूम कहता है अब तुम्हें और मुझे मिलकर काम करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। तभी डॉक्टर डूम कहता है कि बाहर कुछ लोग आ गए हैं और शायद उन्हें हमारे यहाँ होने का पता चल गया है। तो टोनी कहता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो डूम कहता है कि जब मैं यहाँ का राजा हुआ करता था तब ये सब मेरा कहा मानते थे। तो टोनी उसे बीच में ही रोक के कहता है क्या मतलब तुम्हारा, तुम यहाँ के राजा हुआ करते थे, तो डूम कहता है कि हाँ और अभी भी हूँ, मैं तुम्हें ये सब बाद में क्लियर करूंगा और वो टोनी को अपनी मैजिकल पावर से टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद हम विटनी को उसके इन्फॉर्मर के रूम पर देखते हैं जहाँ वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि डॉक्टर डूम के कैसल में वॉन्ड ऑफ मटूम नकली थी और वो उसे शूट कर देती है। और फिर विटनी रिलैक्स होने के लिए शावर लेने चली जाती है और जब वो शावर लेके बाहर आती है तो वो टोनी को वहां पे देखती है और उससे अपना मास्क मांगती है, जिस पर टोनी मास्क उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। फिर विटनी उसे बोलती है कि तुम बिना अपने आर्मर के यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर टोनी कहता है कि मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ और अगर मैं अपने आर्मर के साथ आता तो यहाँ सिर्फ लड़ाई होती बात नहीं होती। तो बिटनी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी, तो टोनी मना कर देता है जिस पर बिटनी उस पर अटैक कर देती है लेकिन टोनी को कुछ नहीं होता क्योंकि टोनी ने अपना आर्मर पहना हुआ था जो कि हाइड मोड में था। इसके बाद टोनी बिटनी को स्कैन करके कहता है कि तुम्हें मदद की जरूरत है लेकिन बिटनी उस पर फिर से अटैक करती है जिससे उसका सूट ओवरलोड हो जाता है। लेकिन फ्राइडे टोनी को उस एक्सप्लोजन से बचाने के लिए टोनी को सूट से एक एक्सप्लोजन के साथ बाहर कर देती है और उसे लेकर उड़ जाती है। उन दोनों में फाइट होने लगती है। फिर बिटनी मैजिकल पावर के अटैक से आयरन मैन को दूर फेंक देती है और खुद को कहीं टेलीपोर्ट कर लेती है और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। The body's rocking from side to side, side, side to side.